नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इको एंड मैक्रो इको। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप अभी पढ़ रहे हो, ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, ये भी आप इलेवेंथ में पढ़ रहे हो। यानी कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, माइक्रो इको मैक्रो इको। क्या डिफरेंस है माइक्रो मैक्रो में? देखो माइक्रो मैक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब विशाल बड़ा। तो जब आप माइक्रो इको में स्टडी करते हो, इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो, तो उसके अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल। अगर मैं प्राइस को स्टडी कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि आजकल ना पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो मैंने एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पेट्रोल की बात की है। ये माइक्रो इको की जो हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ सब्जियां बहुत महंगी हो गई, तो ये भी एक इंडिविजुअल यूनिट है ना। अगर मैं कहता हूँ कि रिलायंस जो है बड़ा, रिलायंस जो इंडस्ट्री है बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो ये भी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट की इतनी टर्नओवर है, तो ये भी इंडिविजुअल यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल की डिमांड, किसी एक चीज की डिमांड या किसी एक चीज की सप्लाई, ठीक है। लेकिन मैक्रो इको में हम इंडिविजुअल की नहीं, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, पूरी इकोनॉमी में इतनी चीजों की सप्लाई हो रही है, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करते हैं, इसमें पूरी इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं। तो अभी आप ये पढ़ रहे हो माइक्रो इको मैक्रो इको ट्वेल्थ में। उसके बाद इसके अंदर जो टूल्स हैं, मेन टूल्स जिसको हम जिसके ऊपर ज्यादा स्टडी करते हैं, वो है डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज की डिमांड और सप्लाई को हम पढ़ते हैं। आगे चैप्टर भी आएगा इसी में आपकी बुक में, डिमांड एक चैप्टर है, एक सप्लाई चैप्टर है। तो यानी कि हम इसमें डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इको में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करते हैं। वही ऊपर वाली बात आ गई ना, इसके अंदर किसी भी एक चीज की डिमांड और उसकी सप्लाई को हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर किसी एक चीज की डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड को स्टडी करते हैं। पूरी इकोनॉमी में जितनी भी चीजें सप्लाई हो रही है, उन सबका टोटल इकट्ठा करके स्टडी करते हैं कि हमारे इंडिया की टोटल डिमांड इतने हजार करोड़ की है, टोटल सप्लाई इंडिया में जो चीजों की हो रही है वो इतने हजार करोड़ की सप्लाई हो रही है। तो मतलब ऐसी चीजें जो स्टडी करते हैं तो वो करेंगे मैक्रो में। अभी हम इंडिविजुअल किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई की स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे आगे आगे चल के, इसके अंदर जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्राइस थ्योरी। इसके अंदर हम जो थ्योरी पढ़ते हैं वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के। वो जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, अभी मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर दो तीन नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको दो तीन पॉइंट्स इसके लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अगला पॉइंट बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, एग्जांपल है कि इसके अंदर हम अगर एक प्राइस ऑफ पेट्रोल पे स्टडी कर रहे हैं तो ये माइक्रो इको में जाता है। अगर मैं इसके अंदर हम पता क्या स्टडी करते हैं, प्राइस लेवल, क्योंकि इसमें किसी एक चीज की तो बात करते नहीं है, सीधा हम प्राइस लेवल की बात करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहूं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो ये माइक्रो का मैंने स्टडी किया है क्योंकि एक चीज इंडिविजुअल यूनिट आ गई। अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूं कि आजकल हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ गई है, क्या जो मैंने कंसेप्ट बोला कि महंगाई बढ़ गई है, क्या मैंने किसी एक इंडिविजुअल चीज को स्टडी किया? नहीं, मैंने कहा महंगाई का स्तर बढ़ गया है, प्राइस का लेवल ही बढ़ गया है। तो प्राइस लेवल जब ऐसी ऐसी हम बात करते हैं, तो अगर मैंने बात की है कि प्राइस लेवल बढ़ गया है, तो क्या एक चीज की तो नहीं बात की, किसकी बात की होगी? एग्रीगेट की, सभी की इकट्ठी बात की होगी ना कि हमारे कंट्री में प्राइस लेवल बढ़ गया है। तो देखो, प्राइस लेवल ऐसा जो कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे वो मैक्रो में पढ़ेंगे,
जिसमें पूरी इकोनॉमी, ये देखो आपको लग रहा होगा कि पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जब प्राइस लेवल की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, सिर्फ महंगाई की अगर बात करता हूं कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो मैंने इंडिविजुअल की किसी पर्टिकुलर चीज की बात की है, तो माइक्रो कंसेप्ट है, ठीक है।